नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे टॉप अमेजिंग फैक्ट्स चैनल पे। आज हम बात करेंगे श्री राम जी की मृत्यु कैसी हुई। दोस्तों, जब श्री राम का विष्णु लोक जाने का समय आया तो श्री राम ने सोचा जब तक हनुमान जी अयोध्या में हैं तब तक यमराज अयोध्या नहीं आ सकते। अतः उन्होंने एक लीला रची और अपने प्राण से प्रिय मुद्रिका को एक पतली से सकरे गलियारे में गिरा दिया और श्री हनुमान जी से कहा कि यह मुद्रिका लेकर आओ। हनुमान जी मुद्रिका के पीछे पीछे पाताल लोक तक पहुंच गए और इसी बीच यमराज आ गए। हनुमान जी की अयोध्या में अनुपस्थिति देखकर यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और एक संत के रूप धारण कर वे राम जी के महल में पहुंच गए। वहां उन्होंने राम से मिलने का समय ले लिया। जब वे संत वेश में श्री राम से मिले तो उन्होंने यह शर्त रखी कि वार्ता के बीच में जो भी आएगा उसे मृत्युदंड देना पड़ेगा। राम ने वचन देकर हनुमान जी की अनुपस्थिति में लक्ष्मण को द्वारपाल खड़ा कर दिया। तब यम ने अपने असली रूप में आकर कहा, प्रभु आपका धरती पर जीवन पूर्ण हो चुका है, अब आपको अपने लोक लौट जाना चाहिए। तभी इस वार्तालाप के बीच में ऋषि दुर्वासा आ गए और लक्ष्मण से अंदर जाने की जिद करने लगे, अन्यथा उन्होंने कहा, मैं राम सहित समस्त रघुकुल को श्राप दे दूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण जी बड़े चिंतित हुए और उन्होंने सोचा कि संपूर्ण कुल को श्रापित करने से अच्छा है मैं खुद मृत्यु का भागीदार बन जाऊं। और वे काल और श्री राम के वार्तालाप के बीच में ही जाकर श्री राम जी से मिले और उनके ऋषि दुर्वासा के आने का कारण बताया। वार्तालाप भंग होने के कारण अब श्री राम दुविधा में पड़ गए कि लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। उन्होंने ऐसे में लक्ष्मण को राज्य निकाला दे दिया। उस समय किसी प्रिय को अगर राज्य से निकाल दिया जाए तो वह भी मृत्युदंड के समान होता था। लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि मैं भैया मुझे मृत्युदंड दे दीजिए, मैं आपके बिना राज्य के बाहर नहीं रह सकता हूँ। यह सोचकर श्री राम बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि तुम जाकर सरयू नदी में जल समाधि ले लो। ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी ने उनके चरण स्पर्श की और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम बहुत दुखी थे और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। अतः वह सरयू नदी के अंदर प्रस्थान कर गए। जो देव होते हैं वह जन्म नहीं लेते हैं और उनकी मृत्यु भी नहीं होती है। अतः जब वो सरयू नदी से बाहर निकले तो उस समय हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग खड़े थे। और उसके बाद भगवान श्री राम ने अपने स्थूल शरीर का त्याग कर वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और सबको दर्शन दिए। उसके बाद वह वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने मृत्यु लोक को त्याग दिया। वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर पहुंचने का। तो आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।